अगर आपका बजट 25 से 30,000 रुपये के बीच में है और एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो रिसेंटली आईक्यू ने अपनी 9 सीरीज में एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया है जो कि आईक्यू 9 SE के नाम से आता है। काफ़ी तगड़ी फ्लैगशिप लेवल स्पेक्स के साथ आईक्यू ने इस स्मार्टफोन को 34,000 अराउंड की कीमत पर लॉन्च किया है, जिसको आप फर्स्ट सेल और कुछ बैंक ऑफर के साथ 30 से 31,000 रुपये की कीमत पर बाय कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट 25 से 30,000 रुपये के बीच में है और एक फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो क्या आपको आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर कोई दूसरा स्मार्टफोन कंसीडर करना चाहिए? आज इस वीडियो में कुछ इन्हीं पॉइंट की बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली आईक्यू अपनी नंबर सीरीज में 2 ही स्मार्टफोन को लॉन्च करता है, बट आईक्यू ने इस बार अपनी 9 सीरीज में 3 नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जिसमें आईक्यू 9, आईक्यू 9 प्रो और आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। तीनों ही स्मार्टफोन में आपको काफ़ी तगड़ी फ्लैगशिप लेवल स्पेक्स देखने को मिलती है, बट आईक्यू 9 SE काफ़ी अफोर्डेबल और एक फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन है, जिसमें आपको 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जनरली आईक्यू परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन लॉन्च करता है, तो ऑब्वियसली आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन में भी आपको 2020 का फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो 30 से 32,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आपको किसी भी स्मार्टफोन में 888 प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता, तो इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन में आपको काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ ही में एड्रीनो 660 GPU भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी सही प्रोसेसर और GPU कॉम्बिनेशन के साथ आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन आता है, जिसमें आप मैक्स सेटिंग पर हाई ग्राफिक्स गेम को बड़े आसानी से प्ले कर सकते हैं। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको LPDDR5 RAM के साथ में UFS 3.1 स्टोरेज भी देखने को मिलती है, तो आप हाई ग्राफिक्स गेम के साथ साथ इस स्मार्टफोन से स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन में आपको काफ़ी तगड़ी स्पेक्स देखने को मिलती हैं। साथ ही अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन में भी आपको OSI के साथ में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है जो कि f1.4 अपर्चर के साथ में आता है। आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन के साथ में सभी तरह के बेसिक कैमरा और फोटो मोड देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो आईक्यू 9 की तरह इस स्मार्टफोन में भी आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है जो कि f2.0 अपर्चर के साथ में आता है। फ्रंट कैमरा में भी आपको HDR के साथ में 1080p वीडियो को 30fps पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन में आपको OSI देखने को मिलता है, तो फोटो और वीडियो क्वालिटी आपको इस सेगमेंट में आने वाले स्मार्टफोन के कंपैरिजन में काफ़ी सही मिलने वाली है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन में आपको 5G की कनेक्टिविटी के साथ में डुअल बैंड वाईफाई, GPS और ब्लूटूथ 5.1 की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। ऑल दो इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm आईडोस जैक देखने को तो नहीं मिलता, बट डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन में भी आपको 9 और 9 प्रो की तरह एंड्रॉयड 12 बेस फन टच OS 12 देखने को मिलता है। साथ ही अगर बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की बड़ी बैटरी के साथ में 66W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन में आपको 8+128GB और 12+256GB स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें बेस वेरिएंट की कीमत आपको 33,990 रुपीज़ देखने को मिलती है। अगर आप इस स्मार्टफोन को फर्स्ट सेल और कुछ बैंक ऑफर के साथ परचेज करते हैं तो इस स्मार्टफोन की कीमत आपको 32,000 अराउंड देखने को मिलती है। तो तकरीबन 30-32,000 रुपये में आपको OSI के साथ में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर और एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अब बात यह आती है कि आपको 30 से 32,000 रुपये के बीच में आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर कोई दूसरा स्मार्टफोन कंसीडर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 25 से 32,000 रुपये के बीच में है तो आप डेफिनेटली आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको ओवरऑल सभी तरह की मिड रेंज फ्लैगशिप स्पेक्स देखने को मिलती हैं। अगर आप गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्टफोन लेना चाहते हो या फिर कैमरा सेंटर का स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन में आपको काफ़ी सही वैल्यू फॉर मनी स्पेक्स देखने को मिलती है। जनरली इस प्राइस ब्रैकेट में आपको 888 5G प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता, तो प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से आईक्यू 9 SE स्मार्टफोन एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो जाता है। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो यार वीडियो लाइक कीजिए,
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।